तो चलिए आज फिडल ले फिक के बारे में बात कर लेते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। इन दिनों मैं भोपाल में नहीं हूँ, बेंगलोर में हूँ। तो बेटे के घर में जो प्लांट्स हैं उन्हीं के बारे में वीडियो बना रही हूँ। पहले भी मैं दो तीन वीडियो बना चुकी हूँ, और ये एक पौधा जो लगभग 3 साल पुराना है, तो इसकी आज रिपोर्टिंग की हमने। और क्या केयर इसकी आज, उसके बारे में बात करते हैं। फिडल लीफ फिग आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो यूँ तो ये बड़ा वृक्ष होता है, अगर ज़मीन पे लगा दिया जाए तो कुछ कुछ सागौन की तरह इसके पत्ते दिखते हैं और बड़ा वृक्ष हो जाता है, लेकिन ये घर के अंदर भी चल जाता है। और ये मैं जब 2 साल पहले आई थी तब भी था, तब इसकी ऊंचाई इतनी नहीं थी। अभी देखिए नीचे पत्ते नीचे के झड़ गए हैं। तो वैसे तो ये फुल सनलाइट में रहने वाला पौधा है, पर अभी जैसे बहुत गर्मी है तो हमने इसको अंदर रखा है, लेकिन विंडो के पास रखा है जहाँ से छन के लाइट आती है। और जैसे ही मौसम बदलेगा तो इसे बालकनी में रख देंगे, तो बरसात के छींटे भी इसे मिलना चाहिए। और बरसात के पानी में नाइट्रोजन होता है, सो वो इसके पत्तों के लिए बहुत लाभदायी रहेगा। मिट्टी की बात करूं तो एक चीज़ तो सबसे कॉमन होती है कि वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है। जिस मिट्टी में पानी रुकता है वो किसी भी प्लांट को नहीं चाहिए, तो वो तो मैं हमेशा ही कहती हूँ। ये यहाँ बैंगलोर की मिट्टी में लगा है तो वो तो लाल है यहाँ की मिट्टी, और जो ये लाल मिट्टी होती है सूख के पत्थर जैसी हो जाती है। तो फिर इसमें थोड़ा इतना मॉइस्चर बना रहे कि ये पत्थर जैसी ना हो। और एक काम और कर सकते हैं, अगर आप ऐसी लाल मिट्टी में लगा रहे हैं तो फिर कोकोपीट मिला लें, तो वो मिट्टी को सॉफ्ट कर देगा। और वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिला लें, तो खाद का भी काम हो जाएगा, मतलब खुराक भी मिल जाएगी। तो मिट्टी और खाद वर्मी कंपोस्ट मिला के यदि आप इसको लगाते हैं तो एक अच्छा हेल्दी मिक्सचर तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसे साल भर में इसको खाद नहीं चाहिए होती। एक बार रीपॉटिंग कर रहे हैं तो पॉटिंग जो पॉटिंग मिक्स है, सॉइल मिक्स है, वो बहुत अच्छा बना लें, बहुत ही अच्छा बना लें। और अगर अंदर रख रहे हैं तो पानी का ध्यान रखें, ज़्यादा पानी न डालें, सूख जाए तभी पानी डालें। और कभी कभी नीम ऑयल स्प्रे कर दें अगर फंगस अटैक या कीड़ों का अटैक होता है तो। और मिट्टी में अगर थोड़ी सी नीम की खली भी मिला लेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। ऐसे सीजनल पौधों की तरह या दूसरे पौधों की तरह से कुछ ज़्यादा खाद नहीं चाहिए होता, और आप देख रहे हैं पत्ते बड़े चमकदार होते हैं इसके। अगर इसे आप अंदर ज़्यादा दिन रख देंगे तो इसके नीचे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं और वो गिर जाते हैं, फिर नीचे एक डंडी रह जाती है सूखी सी, जो आप देख ही रहे हैं इसमें हुआ है। और आपको लगता है कि ये डंडी अच्छी नहीं लग रही, तो बरसात के सीजन में जुलाई अगस्त आते या फिर फरवरी आते, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत कम ना हो, ऐसे टेम्परेचर में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। आप इसको अगर काट देंगे तो ये यहाँ से दो तीन अंकुर निकल सकते हैं और ये घना वृक्ष बन जाएगा। तो देखो आज तो हम रिपोर्टिंग कर दे रहे हैं, तो यहाँ ज़्यादा कुछ तो है नहीं। वर्मी कंपोस्ट मंगा ली है, गार्डन से जो कचरा निकला था वो गमले में नीचे रख दिया है। और इसकी जो लाल मिट्टी है हमारे पास, उस लाल मिट्टी में थोड़ी कोकोपीट पहले से मिली है और अभी मैं वर्मी कंपोस्ट मिला ले रही हूँ। 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मैंने सीधा ये पत्तों के ऊपर डाल दिया है, एक लेयर जमा दी है। क्या है, ये 2 साल बाद रिपोर्टिंग हो रही है इसकी, तो अभी फिर शायद साल 2 साल के बाद ही होगी। तो नीचे तक रूट्स पहुंच गई हैं, और ये लाल मिट्टी का जो मैं बता रही थी कि ये एकदम हार्ड हो जाती है, सो आप देखिए आपको समझ में आएगा देख के। तो नीचे की थोड़ी मिट्टी हटा दे रही हूँ। अब प्रश्न ये आएगा कि क्या ये सीज़न रिपॉटिंग का है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मैं भी बहुत डरते डरते कर रही हूँ, इसीलिए मैं रूट्स प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ।
और थोड़ी सी ही रूट बॉल को नीचे से डिस्टर्ब कर रही हूँ, ज़्यादा मैं रूट बॉल को भी डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ क्योंकि टेम्परेचर हाई है। और ऐसे में अगर रिपोर्ट करेंगे तो मेरी तो मजबूरी है क्योंकि मैं भी करके चली जाऊंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वापस जाने का समय आ रहा है, और नहीं तो फिर बच्चे अकेले कहाँ करेंगे और परेशान होंगे। तो ये सोच कर मैंने अभी कर दिया, और मुझे थोड़ा सा अनुभव है तो मैं संभाल के रिपोर्टिंग कर सकती हूँ और पौधा डैमेज नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा कि मैंने उसके रूट बॉल को बहुत छेड़ा नहीं, सुबह के समय रिपोर्टिंग की और सीधे उठा के पौधे को अंदर रख दिया है ताकि पौधा स्ट्रेस में नहीं आए, शॉक में नहीं आए, और मुझे पूरी पूरा विश्वास है कि इसको परेशानी नहीं होगी, बल्कि अब इसको नीचे अच्छी खाद वाली मिट्टी मिल जाएगी तो ये जल्दी ही इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो बहुत आसान सा है इसका उगाने का तरीका, बहुत तेज़ टेम्परेचर जहाँ होता है 40 क्रॉस वहाँ ये नहीं चल पाता। सो भोपाल में मैंने लिया था एक, पर मेरा मर गया था, पर बेटे का चल रहा है। सो मैंने सोचा इस पर आपको वीडियो बताऊं और दिखाऊं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।